था वो ही हो गया। पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ गई और क्या हुआ, इंडिया की यंग टीम से पाकिस्तान की जो टीम, मैं दोबारा कहूंगा एक चीज मैंने कल भी की थी कि डर इस चीज का कि पाकिस्तान की टीम में वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से खेल चुके हुए हैं, अगर ये कल इंडिया के खिलाफ ना चले तो फिर बड़ा जिसको कहते हैं ना हालात खराब होंगे। और वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ कि पाकिस्तान के करंट टीम के प्लेयर्स चल नहीं पाए इंडिया की एमर्जिंग टीम के आगे जो कि 22 से 23 से 24 साल की एज के अंदर टीम है। सो बेंच स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, वेल डन, एंड इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम तगड़ी टीम हैं, हमारी प्लेइंग 11 से तगड़ी टीम नहीं बनती, हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारी सिलेक्शन इतनी अच्छी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन सकते हैं और बेंच स्ट्रेंथ ने आज मैच जिताया आपको। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री एंड फॉर द यंगस्टर्स and the people who selected them. जनाजा पढ़वा दिया यंग इंडियन गन्स ने। इंडिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान समझ के हराया है या नेपाल समझ के, इससे क्लोज मैच तो भूटान या ब्रुंडी समझ के। यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे हर किसी बेकार को, यार कौन नहीं था इसमें। ये बच्चे तो जो इंडिया ऐसे खेले, ये तो आईपीएल में भी इसमें 9-10 बच्चे तो सिर्फ बेंच पे अपने चूतड़ गरम कर रहे थे, खेल भी नहीं रहे थे। आप लोगों ने पाकिस्तान बगैर तो तुम तो खा पी के मस्त आ रहे हो, सांड बनते जा रहे हो डेली और मैच 20 के लिए पाकिस्तान के नाम को डबो दिया, तुमने लालच है तुम लोगों के भाई। मैंने प्रभसिमरन सिंह, ही वाज अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। उसने तो आके जैसे अटैक किया, शुरू में वही अटैक किया जा रहा था और अभिषेक थोड़ा सा उसके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन उसने फिर एक ही ओवर में कुछ 24-25 रन एक ओवर में डाले और कहीं ना कहीं जो रन बॉल चल रहा था 15 गेंदों पे 16 गेंदों पे उतने रन उतने ही बॉल, तो उसने भी फिर हमें पता है यार वो इंटरनेशनल लेवल पे अब खेल रहा है इंडिया के लिए और बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। तो दोनों की जो ओपनिंग बारी थी वो बड़ी शानदार थी। पावर प्ले में 68 रन आए हैं, 68 अभी तक के जितने भी मैच हुए हैं इस टूर्नामेंट के, तो सबसे ज्यादा पावर प्ले में जो रन आए हैं वो यही आए हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ की हमेशा बात की जाती है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो इस तरह से है कि पाकिस्तान, क्योंकि जो उन्होंने टीम अनाउंस की है इमर्जिंग एशिया कप के लिए, उसमें बहुत कम खिलाड़ी ऐसे जैसे अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, जो भारत खेल चुके हैं। मगर पाकिस्तान परस्पेक्टिव में देखें, जमान खान खेले हुए, खुद कप्तान जो हारिस हैं वो खेले हुए, अब्बास अफरीदी तो वर्ल्ड कप खेले हुए, तो पाकिस्तान में कुछ ज्यादा नाम वो हैं जो पाकिस्तान खेले हुए, जबकि उनके उतने नाम नहीं है जो भारत खेले हुए। मगर उनके आईपीएल खेले हुए बहुत से लड़के हैं, आपको दिख गया पावर प्ले के अंदर, जिस तरह अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह। अब प्रभसिमरन सिंह की बात करूं, अभिषेक की बात करूं, दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों का आईपीएल में बहुत एक्सपीरियंस है। अभिषेक अब इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, अभी हमने रिसेंट टाइम्स में भी देखा जो सीरीज हो रही थी बांग्लादेश के साथ, वहां भी अभिषेक फीचर कर रहा था। तो अभिषेक तो काफी ज्यादा अब वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जहां वो मेन ओपनर्स के एब्सेंस में अभिषेक को यह प्रायोरिटी दी जाती है। और मेरे ख्याल से जो मुकाबला था यहां, इमरान जूनियर तो चले पीएसएल लेवल तक एक्सपीरियंस है, लेकिन अब्बास आफरीदी और जमान खान को जिस तरह फिर सामना किया और जिस तरह भेटा लगाया पावर प्ले के अंदर, उसके बाजू खुल के तो उसका हाथ शुरू हो गया हुआ था, उसने एक ओवर के अंदर 25 मारा आपके जैसे कहते हैं ना आपके अब्बास अफरीदी को, जो कि हमारा वर्ल्ड कप खेला हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों जरूर आज सुबह एक तरीके से आप कह सकते हो दिल टूटा है, हमारा लोअर ऑर्डर बैट्समैन अगर आज अच्छा खेलते तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जरूर एक तरीके से आप कह सकते हो खेल खत्म होते होते स्ट्रांग पोजीशन में होते, लेकिन वो तो हुआ नहीं। चलो कभी कभी एक हार जरूर होता है कि आपकी गलतियों को देखने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बड़ा है। दोस्तों आज हमारा यंग टैलेंट या फिर बहुत ही यंग टीम ने पाकिस्तान की एक्सपीरियंस स्क्वाड को ओमान में हराया है, इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इनसे तुम इन बच्चों के पास क्या एक्सपीरियंस था, अबे इन्होंने तुम्हें बेबी चाइल्ड बना के मारा है, अदाकारियां पूरी करवा लो, इनसे अदाकारियां पूरी करवा लो, ग्राउंड में जाओ रानी झटके को मार रहे, तुम लोग सिर्फ पेपर पे कलम, क्योंकि तुम्हारे रोल मॉडल ही कागजी और किताबी किंग है। अरे ये बैटिंग थी तुम्हारी, मेरी तो कामना पूरी हो गई, मेरी जिंदगी सफल हो गई क्यों मैं बाबर के साथ खेल लिया। अरे लानत है तेरे घंटे के किंग पे और झूठे पे, झूठ मतलब, अरे तुमने सीखा क्या मुझे बात।
चलो यार आदमी एडमायर करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है, कुछ सीखता है, कुछ लर्न करता है। अभी लर्निंग है किधर है? तुम जिसकी लर्निंग लेते हो उसके शक्ल पे तो, उसकी शक्ल पे तो लर्न आता है उसके करियर पे। थोड़े लड़के दिखा के भी नहीं जीत सके तुम बच्चों से। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मुकाबले के लिए कम से कम अपनी नातावा टांगे लेके जाते हैं, जैसी इंडिया की थी। नातावा टांगे थी, मतलब वो ये आईपीएल की टांगे थी। आईपीएल में भी बहुत सारे मैचेस नहीं खेलते। ये मैच था जो जिसकी हीट थी, जिसके लिए कहा जा रहा था कि नहीं यार, लेकिन दोनों तरफ प्रेशर था। इनपे इसलिए नहीं होगा, ये इंटरनेशनल खेले भी खिलाड़ी थे हमारे वाले, तो मैं आपको बताऊं चार पांच खिलाड़ी ऐसे थे जो इंटरनेशनल के पूरे मजे ले चुके हैं, जो बाबर को भी देख चुके हैं, बाबर को छू के भी देख चुके हैं कि कोई इंसान है या कोई और है, ठीक है, कोई और है जैसे जैसे। तो भाई मसला ये है कि जब तुमने अपने घंटे के साथ रहकर खेलकर कुछ सीखा ही नहीं, उनसे भी कुछ सीखा होगा तो कुछ सीखोगे ना। उसके बाद भी कुछ थी, उसके बाद भी जुगाड़ है, उसके बाद भी पौके पट्टियां सेटिंग है, सारी चल रही है। वो उसी ने उसी के सारे मतलब लौंडे उतार के आपने इमर्जिंग में, यार मतलब इमर्जिंग में तुम बच्चे, मैं कह रहा था ना किसी के बच्चे लेके हार जाते तुम, कोई अफसोस नहीं होता, गम नहीं होता, नहीं यार बच्चे हम इनको, इनको तो पाकिस्तान का कप्तान जिसको सिर्फ एक ग्राउंड की एक जगह शॉट मारने आता हूँ, मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ, वो फील्डिंग सेट करते हुए किसी को शर्म भी नहीं आ रही, इससे फील्डिंग सेट करा रहे हैं जिसकी क्रिकेट भी नहीं आ रही पूरी, झटका बाबर की तारीफों की वजह से किसने कहा मेरा ख्वाब है, बाबर ने इसकी वो वाली सेटिंग करा दी है कि यार रमेश भाई ने क्या कहा था वर्ल्ड कप में, इसके लिए बड़ी एक अच्छी चीज निकाली थी, इंग्लिश में लेकर आए थे इसके लिए, पता नहीं क्या करके लाए थे कि यार ये तो छोड़ो वो भी जिंदा रहने के लिए इसको एक्सप्लेन किया था, ये परेशान हो गया यार। अभी कुछ सुन लेंगे आप, रमेश भाई ने इसको वनडे करवाया बस यार, बंडे खिलाया इसको, ये है वो लाना थे पाकिस्तान वक्त ऐसा जितनी कभी नहीं खिलाएंगे, ठीक है। मेरे पास तो इनके लिए सिर्फ एक चीज होती है, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों से बड़ी मार खाई, 183 भारत ने बोर्ड के ऊपर लगा दी है। ये भारत की इंडिया ए की टीम है, अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर ये चौथा मैच हो रहा है, इससे पहले तक किसी ने भी 180 क्रॉस नहीं किया, 169 हाईएस्ट था, वो भी आज स्कोर हुआ था, और भारतीय टीम ने 183 बोर्ड के ऊपर लगा दिया जो कि हाईएस्ट टोटल है अभी तक इस टूर्नामेंट का। अब्बास अफरीदी जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेला, जमान खान जो कि पाकिस्तानी टीम के साथ 2 साल से है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिन्होंने पाकिस्तान से खेला नहीं उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर दी, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल के अंदर, तिलक वर्मा ने देखा, देखिए तिलक वर्मा बड़ा स्लो खेल रहा था, उसने अपनी विकेट बचाई रखी, एंड पे आके उसने छक्के मारे, आउट होके चला गया। आप ये देखिए कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, नाम बताऊंगा आपको, मोहम्मद आरिफ इंटरनेशनल खेल चुका हुआ हैदर अली इंटरनेशनल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है वर्ल्ड कप के अंदर, अब्बास अफरीदी इंटरनेशनल खेल चुका हुआ, जमान खान आपका इंटरनेशनल खेल चुका, किसी को मैंने मिस किया नहीं किया, ये चार लड़के आपके इंटरनेशनल खेले हुए, इंडियन टीम से सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, इसके बंदे ने आपको इंटरनेशनल में खेला हुआ, जमान खान उसको 42 पड़ रहा है, अब्बास अफरीदी 43 तीन ओवर में 43 खा रहा है, किससे खा रहा है, उनसे खा रहा है जिन्होंने आज तक जिसको कहते हैं इंटरनेशनल खेला हुआ। रमनदीप का कैच आपने हैदर अली सीधा छोड़ दिया, फिर रमनदीप ने मेला ना बाद में छक्का, ये क्या परफॉर्मेंस आप करके दिखा रहे, आखिरी बॉल कैसे छक्का खा के चले गए। देखिए पिछले साल आपको याद होगा इमर्जिंग एशिया कप तब 50 ओवर फॉर्मेट में था, इस साल तो T20 फॉर्मेट में हो रहा है। पिछले साल भी भारत फाइनल गया था और ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन फाइनल में टॉस जीतकर एक गलती ने हमारे कैप्टन किया और उसके बदौलत हम हार गए, लेकिन बड़ी बात ये थी कि तब हमारा जो टीम था, चलो अब जो टीम गया है पिछले साल के कंपेयर में तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, पिछले साल 2023 में जो टीम था बहुत ही यंग लड़के गए थे, 23 साल की उम्र में ऊपर से कोई लड़के का उम्र ही नहीं था, लेकिन पाकिस्तान 30-30 साल के लड़के को भेजा था जो उनके इंटरनेशनल मैच खेलते थे, उसी टीम को एक तरीके से भेजा था और उसी टीम को एक बार हराया और फाइनल में हार गए। तो पिछले साल तो चलो ठीक है पाकिस्तान तो जीत लिया, लेकिन इस साल जो T20 फॉर्मेट है मुझे उम्मीद ये है कि जिस हिसाब से टीम फाइट कर रहे हैं चांस तो कम ही है कि पाकिस्तान फाइनल में है, भारत का तो पोजीशन पक्का है, अगर इस बार फाइनल में पाकिस्तान आ भी जाता है हमारा इस बार जो टैलेंट है वो आसानी से फिर भी दोबारा पाकिस्तान को फाइनल में हराने में कामयाब होगा। देखना होगा कुछ 8-10 दिन में पता ही चल जाएगा कि आगे कौन से टीम जाता है और कौन पीछे आता है। दोस्तों आज की टॉपिक नहीं बस इतना ही, आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा, नमस्कार, जय हिंद।